हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले पांच इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन का आंसर, जो कि रिसेंटली मेरे दोस्त से ये पूछा गया है इंटरव्यू में। दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये सवाल और जवाब जरूर जान लें। दोस्तों, आपसे पूछा जाए ST लाइन और LT लाइन क्या है, MCB और फ्यूज में क्या अंतर है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है और किस तरह होता है, ठीक है, और मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर AC को किस भाग को मेजर करता है। ओके दोस्त, और आपको बता दें, काम करते समय अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए तो उस समय आप क्या करेंगे, ठीक है। ये पांच जो क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो देर न करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ST लाइन और LT लाइन क्या है। ओके दोस्त, इसमें हम जानेंगे ST लाइन और LT लाइन क्या है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा जरूर ST लाइन और LT लाइन के बारे में, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उस समय आपको बोलना है HD का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन लाइन। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो टेंशन लव जो है ना, ये फ्रेंच वर्ड है, इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं हाई टेंशन में कितना वोल्टेज आता है। ओके दोस्त, तो यहाँ पे 11 kV से ऊपर और 33 kV से नीचे आता है, ठीक है ना, इसमें वोल्टेज इतना आता है। और आपको बता दूं, अगर आपको 33 kV के ऊपर अगर वोल्टेज आए तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन बोलते हैं। ओके दोस्त, अब हम लोग जान लेते हैं LT के बारे में, ठीक है। LT क्या है और कितना वोल्टेज आता है और कहाँ पे यूज होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों, LT का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन लाइन। ओके दोस्त, आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बोलिए लो टेंशन लाइन। ये जो है 1000 से नीचे वोल्टेज के आता है, ठीक है ना, 1000 के नीचे इसमें आता है ये वोल्टेज। और आपको बता दूं, 400 और 440 वोल्ट 3 फेस होता है और 230 वोल्ट ये 1 फेस होता है, जो कि घर के अप्लायंस के लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्त, ये जो है 220 और 440 के ऊपर आता है और 1000 वोल्टेज से नीचे आता है इसको, ठीक है। ये घर के लिए यूज करते हैं हम, घर में सप्लाई जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके दोस्त, ये मेरे वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है MCB और फ्यूज में क्या अंतर है। ओके दोस्त, MCB और फ्यूज में क्या अंतर है हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं इसमें पांच तरह का डिफरेंस, ये दोनों में क्या इक्वल है और क्या डिफरेंस है, ये वीडियो में हम लोग जान लेते हैं फ्यूज और MCB में। अगर आप अपने घर में MCB लगाते हैं तो ये फ्यूज के मुकाबले में ये कॉस्टली होता है, ठीक है, और फ्यूज अगर लगाते हैं तो फ्यूज चीपर होता है, सस्ता होता है, ठीक है। और आप MCB लगाते हैं तो रीयूज कर सकते हैं इसको, है ना, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये ट्रिप होता है तो ऑन कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर फ्यूज अब लगाते हैं तो रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, आप दूसरा डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हाई सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, और ये फ्यूज जो है नॉट सेंसिटिव होता है, ये उतना सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। ये तो तीन जान गए, अब चौथा जानते हैं, ठीक है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है। MCB जो लगाते हैं घर में ना, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है और फ्यूज भी ओवरलोड प्रोटेक्शन है। ओके दोस्त, तो यहाँ पे आपने अंतर जाना, तीन जो है सिमिलर नहीं है, और यहाँ पे एक जो चौथा नंबर जो है सेम है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है और ये भी ओवरलोड प्रोटेक्शन है, और पांच नंबर का जो है शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन करेगा, यहीं पे फ्यूज भी शॉर्ट सर्किट पे आपको प्रोटेक्शन करेगा। तो दोस्तों, ये आप जान गए इन दोनों में डिफरेंस। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप अपने घर में लगाते हैं थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन MCB लगाएं, MCB बेहतर होगा, इसलिए कि अगर आप फ्यूज लगाते हैं, अगर रात में फ्यूज उड़ गया, फ्यूज जल गया, तो आप उस समय अगर एक्स्ट्रा आपके पास फ्यूज नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा कॉस्टली रहेगा MCB, आप घर में MCB ही लगाएं, ज़्यादातर अभी MCB ही लग रहा है। ओके दोस्त, ये तो क्लियर हो गया, आपको पांच जो डिफरेंस बताएं आप समझ गए होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन जान लेते हैं। ओके दोस्त, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है। ओके दोस्त, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो बेझिझक बोलिए, सीरीज कनेक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन है अगर एक सप्लाई वायर में जोड़कर कई अप्लायंस
चलाते हैं उसे हम सिरिंज कनेक्शन कहते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक सप्लाई में 220 आपके पास है फेस और न्यूट्रल, और उसमें आप 5-10 बल्ब जलाते हैं, उसे हम सिरिंज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे पैरेलल कनेक्शन है, अगर हम सभी उपकरण को पर्सनल सप्लाई से वायर कनेक्शन करते हैं तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ओके। जैसे कि अगर आपके पास 10 बल्ब है, उसको हम सेपरेट अलग अलग, एक को 220 फिर दूसरे को भी 220 फिर तीसरे को भी 220 अलग अलग देते हैं, तो उसको हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ओके दोस्त। क्लियर हो गया, ये तो आप समझ गए। अभी अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर से और क्लैंप मीटर से एसी को किस भाग को मेजर करते हैं। ऐसे तो मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर जो है बहुत सारे इसमें फंक्शन आता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है ना, कैसे मल्टीमीटर यूज किया जाता है और कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आइकन बटन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर ये वीडियो देखें। क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर के बारे में बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर एसी को किस भाग को मेजर करते हैं, अगर आपको ये सवाल आता है तो उसको आपको बोलना है आरएमएस वैल्यू को हम मेजर करते हैं, ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। दोस्तों आरएमएस के बारे में आप जानना चाहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप जरूर कमेंट करें, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये सबको जानना बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे फोरमैन हो या इंजीनियर हो, ये सबको जानना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। काम करते समय किसी इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा तो आप क्या करेंगे, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा तो आप बिजली मार दी तो आप उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बताए हुए हैं, ये जरूर करें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मेन स्विच बोर्ड को बंद करेंगे, जो आपका मेन स्विच बोर्ड होगा उसको बंद करेंगे, अपने आप को इंसुलेट करेंगे, उसके बाद ही उसको अलग करेंगे, जैसे अपने आप को पहले सेव करेंगे उसके बाद ही उसको अलग करेंगे। मेन स्विच बोर्ड पास में नहीं है तो उसको जो शॉर्ट सर्किट लगा है जिससे उसको अलग करेंगे, सॉकेट होगा कुछ भी होगा उसे अलग करेंगे, ठीक है। अपने सीनियर को कॉल करें, जो भी अपने बड़े हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं उसको आप कॉल करें, ठीक है। तुरंत डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को जरूर बुलाएं आप, तुरंत डॉक्टर को कॉल करें। यदि सांस रुक जाए तो आप अपने मुंह से सांस उसको दें, ठीक है ना, और रोगी को मुंह नीचे कर पीठ पे थपथपाएं, थोड़ा सा हल्का चोट दें, ठीक है दोस्तों। ये सेफ्टी से रिलेटेड है, आप जरूर अपना सेफ्टी खुद करें, ओके, काम करते वक्त अपना सेफ्टी खुद करें, ठीक है। जितना हो सके उस रोगी को आप टच करें, लोगों टच करें, आपस में टच करें, हाथ पांव मालिश करें उसको, ठीक है। आई होप कि दोस्त ये वीडियो नॉलेजेबल हुआ होगा, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिली होगी तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।